आजकल हर कोई किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल ठीक हों। हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के बराबरी में ज़्यादा संक्रमित होती हैं। कुछ रोग हैं जो महिलाओं में ही देखने को मिलते हैं और इन सब में महिलाओं को विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं संक्रमित होती हैं तो उनके साथ उनका होने वाला बच्चा भी संक्रमित होता है। इसलिए इन सब बीमारियों से महिलाओं को सुरक्षित रखने और उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं एक महिला के बीमार होने से दो लोग और संक्रमित होते हैं। नार्चिकॉन वालों ने एक वर्कशॉप चलाया जिसमें महिलाओं को इन सब के लिए जागरूक किया जाता है। नार्चिकॉन की तरफ से महिलाओं के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें कई लोग शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर्स, छात्राएं भी थे। जहां आशा वर्कर्स को स्तन कैंसर के बारे में अवगत कराया गया और उन्हें समझाया गया कि आप किस तरह से स्तन कैंसर के बारे में पता करें और उसका इलाज कराएं। इस समारोह की गेस्ट डॉक्टर वंदना बग्गा थी, जिन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि स्तन कैंसर को कैसे पता लगाएं। स्तन कैंसर अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता अगर आप उसको ढूंढो नहीं तो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता हो कि उन्हें अपने आप को एग्जामिन करना है। साल में एक बार उनको डॉक्टर के पास जाना है और 40 साल की उम्र के बाद एक टेस्ट होता है मैमोग्राफी, वो मैमोग्राफी उनको अपनी करानी शुरू कर। कई जगह कहते हैं 2 साल में, कई जगह कहते हैं 3 साल में, और अगर किसी की फैमिली में स्तन कैंसर है तो उनको और जल्दी मैमोग्राफी शुरू करते हैं और उनको हर साल ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जब तक वो लेट स्टेज में नहीं आता, अगर आप खुद चेक नहीं करोगे तो उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे। वो जब सिम्टम्स जब तक आएंगे तब तक सिम्टम इन द सेंस कि कुछ कुछ दर्द होना, डिस्चार्ज होना, वो लेट आते हैं। अर्ली स्टेज में एक गांठ होती है जो ब्रेस्ट का टिश्यू, आपको पता है कि डेंस होता है, तो उसमें वो छुपी रहती है। अगर उसके लिए ढूंढोगे नहीं तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा सबके लिए ये है कि आप स्तन कैंसर के अर्ली स्टेज में पता करने के लिए खुद को देखें, डॉक्टर के पास जाएं साल में एक बार, क्योंकि एक ये ऐसा कैंसर है कि अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो गया तो आपको पूरी ब्रेस्ट भी नहीं निकालनी पड़ेगी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ब्रेस्ट का निकाल के आपको उसके टेस्ट करके दवाई दे के। हमारे पास जो ऐसे जागरूक लोग हैं जो कि अपने आप को पहले से देख लेते हैं, हमारे कई डॉक्टर भी हैं कि बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो 30-40 साल हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, जबकि उनको स्तन कैंसर था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जब पता कर सकते हैं जल्दी, जिस समय इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि अपना एग्जामिनेशन करो, डॉक्टर के पास एक साल में जाओ, और कोई भी सिम्टम हो ब्रेस्ट का तो उसको निग्लेक्ट नहीं करो, कोई भी गांठ है पता चले तो उसको निग्लेक्ट नहीं करो। जो स्तन कैंसर है ये किसी भी तरह के कैंसर की तरह, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इसका रिस्क बढ़ता है, तो आमतौर पे 40-50 साल की उम्र से बाद में ये कैंसर पाया जाता है, परंतु अभी रिसेंटली चेंजेस देखे गए हैं कि अब ये थोड़ा यंगर एज ग्रुप में भी पाया जाता है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये एक गांठ के रूप में पाया जाता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर हमें छाती में दर्द हो रहा है तो हमें कैंसर है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेन है वो इस कैंसर का लक्षण उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि किसी गांठ को महसूस करना है। तो इसलिए सबको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो करें, तो अगर कोई गांठ पाए तो फिर उसको जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी पीरियड्स के बाद करना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स से पहले बहुत सारे लोगों के ब्रेस्ट में गांठ हो जाती हैं जो नॉर्मल होती हैं, फिर वो डर जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पीरियड्स के बाद जब ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप अपने आप पैल्पेट कीजिए, अगर कोई गांठ लगे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे। वहीं वहां बैठी आशा वर्कर्स को बताया गया कि आप अपने स्तन में कैसे पता लगाएं कि आप कैंसर से ग्रसित हैं या नहीं। उसके लिए आपको पहले अपनी 3 उंगलियों की मदद से अपने गुठली के बारे में चेक करें कि कहीं आपके स्तन में गुठली तो नहीं, और इसके बारे में आपको आपके पीरियड्स होने के बाद चेक करना है, क्योंकि पीरियड्स के पहले महिलाओं का स्तन टाइट रहता है। अगर आपके स्तन पर कोई घाव दिखे या किसी प्रकार की लालिमा तो यह भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ दिखने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।